नमस्कार स्पोर्ट्स कैन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूं आनंद श्रीवास्तव देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत जी धर्मेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत है आनंद आपको और श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार बैडमिंटन हॉकी क्रिकेट के साथ साथ ढेर सारी खेल खबरें हैं लेकिन सबसे पहले स्पोर्ट्स हेडलाइंस विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में एचएस प्रणोय पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में महिला डबल्स में पोनप्पा और रेड्डी की जोड़ी का शानदार प्रदर्शन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी में भारत ने बांग्लादेश को नौ शून्य से दी करारी मात एशेज श्रृंखला का दूसरा मैच कल से एडिलेड में होगा शुरू और महिला क्रिकेट विश्व कप दो का कार्यक्रम जारी शुरुआत करते हैं विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में इस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है आज क्या कुछ घटा बता रही हैं नीलम एचएस प्रणोय विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं दूसरे दौर में प्रनोय ने मलेशिया के लियू जारेन को 21 सात इक्कीस सत्रह से पराजित किया प्री क्वार्टर फाइनल में प्रणय का सामना ग्यारहवीं वरीयता प्राप्त डेनमार्क के रेसमस गेमके से होगा रेसमस ने स्पेन के लुइस एनरिक को बाईस बीस इक्कीस बारह से हराकर तीसरे दौर में प्रवेश किया महिला डबल्स में अश्वनी पोनप्पा और एन सिक्की रेड्डी की जोड़ी ने भी प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है दूसरे दौर में भारतीय जोड़ी ने चीन की ली जुआन और झिया यू टिंग की जोड़ी को 21 ग्यारह नौ इक्कीस इक्कीस तेरह से हराया पुरुष डबल्स में एमआर अर्जुन और ध्रुव कपिला की जोड़ी को दूसरे दौर में हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जोड़ी को रूस राष्ट्रीय संघ के व्लादिमिर इवानोव और इवान सोजोनोव की जोड़ी ने इक्कीस ग्यारह इक्कीस सोलह से शिकस्त दी इससे पहले पी वी सिंधु लक्ष्य सेन और किदम्बी श्रीकांत अपने अपने मुकाबले जीतकर प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं प्री क्वार्टर फाइनल में लक्ष्य का सामना केविन कोर्डोन से होगा जबकि श्रीकांत का मुकाबला लू गुआन जू से होगा महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का दबदबा कायम रहा प्री क्वार्टर फाइनल में मौजूदा चैंपियन सिंधु का सामना नौवीं वरीयता प्राप्त थाईलैंड की पॉन पावी चोचुवांग से होगा पुरुष डबल्स की बात की जाए तो पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में सात्विक साईराज रंकी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का सामना नौवीं वर्यता प्राप्त मलेशिया की ओएनजी यूसेन और ई ये की जोड़ी से होगा स्पोर्ट्स कैन नीलम अलकानिया धर्मेंद्र आज जो मुकाबला था प्रणोय का दोपहर में वो मैच चल रहा था पहले गेम में बहुत हावी रहे दूसरे गेम में टक्कर उनको मिली लेकिन अपने अनुभव से वो जीत गए निश्चित तौर पर पहले गेम में अगर आप देखेंगे कि जिस तरह से उन्होंने लगातार एक बार बीच में आठ अंक बनाए वो और सीधे सोलह मतलब एक तरह से उन्होंने दस अंकों की बढ़त बना ली थी तो वहां पर यह लग रहा था कि गेम क्या पूरा मैच ही एक तरफा होने वाला था लेकिन ये ठीक है कि दूसरे खिलाड़ी पर जो उनका प्रतिद्वंदी था उसने अच्छी वापसी की लेकिन दूसरे मैच दूसरे गेम में भी आपने देखा होगा कि एक बार वो छह छह से बराबर थे और ऐसा लग रहा था कि क्या हो सकता है कि प्रणय को बहुत टक्कर मिले लेकिन इसके बाद आपने देखा होगा कि जितने भी वो आगे खेले वो कहीं पर भी उन्होंने अपनी बढ़त नहीं गंवाई और एक समय जब वो 16 11 पर थे तो ऐसा लग रहा था कि बहुत आसानी से जीत जाएंगे लेकिन फिर दूसरे खिलाड़ी ने करीबी अंतर बनाया फिर वो सोलह उन्नीस सोलह से बड़े प्रणय आगे और फिर आसानी से मैच जीत लिया तो मुझे लगता है कि प्रणय के साथ हमेशा ये ये है कि जब वो खेलते हैं बहुत हावी होकर खेलते हैं लेकिन जब वो दबाव में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका उससे उस उनका खेल पर असर पड़ता है जो कि कई बार हमने मैचों में देखा है अश्विनी पुनप्पा और एन सिक्के रेड्डी कमाल का प्रदर्शन निश्चित तौर पर क्योंकि हमारे पास पिछले कुछ समय से ये कह सकते हैं कि महिला युगल में बहुत अच्छी खिलाड़ी नहीं पनप रही थी और हम लगातार एक तरह से अश्वनी और सिक्की रेडी पर ही निर्भर रहे हैं लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि आज जिस हिसाब से उन्होंने ये कह सकते हैं कि पहला गेम जीता दूसरे गेम में वो बिल्कुल लड़खड़ा गई और लेकिन तो फिर भी उन्होंने कहते हैं कि अपनी नर्व जो बना के रखी अपना दमखम अपना जज्बा बना के रखा और तीसरे गेम में बड़ी फिर वापसी की और जीता तो ये कह सकते हैं कि खिलाड़ी अगर दबाव में न हो हार न माने तो इस तरह से मैच वो आसानी से जीत सकता है जी हां बिल्कुल इस टूर्नामेंट में अब तक भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है मौजूदा चैंपियन पीवी सिंधु पर सबकी निगाहें होंगी कल वो प्री क्वार्टर फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगी बैडमिंटन कोर्ट के बाद अब बात करते हैं हॉकी की भारतीय पुरुष हॉकी टीम को एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी पहली जीत हासिल की है भारत के लिए दिलप्रीत सिंह ने हैट्रिक जमाई जबकि जर्मन प्रीत सिंह ने दो गोल किए भारत ने बांग्लादेश को नौ शून्य से करारी मात दी भारत ने मैच के चारों क्वार्टर में गोल किए लेकिन तीसरे और चौथे क्वार्टर में खास तौर पर गोल की बौछार करते हुए टीम इंडिया ने आसान जीत दर्ज की टोक्यो तो ओलंपिक में ऐतिहासिक पदक जीतने के बाद भारतीय टीम अपना पहला टूर्नामेंट खेल रही है भारतीय टीम को पहले मैच में कोरिया के साथ दो दो से ड्रॉ खेलना पड़ा था कमाल का प्रदर्शन यहां भी निश्चित तौर पर यह कह सकते हैं कि बांग्लादेश की टीम भले ही कमजोर है लेकिन उसके खिलाफ भी नौ शून्य से जीत दर्ज करना आसान नहीं हो सकता क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट है दूसरा सबसे बड़ी बात आनंद यह बात है कि ये प्रक्रिया से जुड़ी हुई बात है कहीं ना कहीं हॉकी हो या बैडमिंटन हो या दूसरे जो भी खेल हैं उन्होंने क्रिकेट से एक सबक लिया है कि आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार करनी है इस टीम में जो हमारी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलने गई है इस टीम में हमारे आठ खिलाड़ी वो नहीं है जो कि टोक्यो ओलंपिक में खेले थे उनको विश्राम दिया गया है स्वाभाविक है कि हमने अपनी बेंच स्ट्रेंथ तैयार की थी पहले होता यह था कि शिविर में सिर्फ पन्द्रह खिलाड़ियों के लिए शिविर लगाया जाता था और जब अचानक कोई खिलाड़ी घायल होता चाहे चोटिल होता था या किसी को विश्राम देने की नौबत आती थी तो आपके साथ जो नया खिलाड़ी जाता था वो अनुभवहीन पूरी तरह से मतलब इस तरह के मैचों के लिए अनुभवहीन होता था अब ऐसी स्थिति नहीं है अब हमारे जूनियर खिलाड़ी हमारी सीनियर टीम साथ में अभ्यास करते हैं और एक बेंच स्ट्रेंथ आपकी तैयारी की जाती है जो कि यहां पर साफ दिख रही है कि हमारे पास अच्छे खिलाड़ी हैं और भारतीय हॉकी सही दिशा में कहीं ना कहीं आगे आगे बढ़ रही है और इसके लिए पूरा श्रेय जो वे हमारी व्यवस्था है उसको जाना चाहिए जी हाँ बिल्कुल इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया कैसा प्रदर्शन करेगी ये हम आपको स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम के माध्यम से आगे जानकारी देते रहेंगे और अब बात करते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिस पर भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की निगाहें टिकी थी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में थे टेस्ट टीम के कप्तान विराट कोहली वनडे कप्तानी और रोहित शर्मा के साथ कलह पर जारी तमाम अटकलों को विराट कोहली ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बेबाक राय से अलग थलग कर दिया कोहली ने कहा कि वे दक्षिण अफ्रीके दौरे पर वनडे सीरीज के लिए उपलब्ध रहेंगे उन्होंने कहा कि वनडे सीरीज से कप्तानी वापस लिए जाने पर भी उन्होंने अलग विचार व्यक्त किए हैं कोहली ने कहा कि वे टेस्ट और वनडे की कप्तानी जारी रखना चाहते थे लेकिन टेस्ट टीम के सिलेक्शन के दौरान मुख्य चयनकर्ता ने उन्हें बताया कि वनडे की कप्तानी वापस ली जा रही है कोहली ने कहा कि वनडे की कप्तानी वापस लिए जाने से उन्हें कोई परेशानी नहीं है कोहली ने रोहित के साथ अपनी अनबन की खबरों को भी नकारा है उन्होंने कहा कि मेरे और रोहित शर्मा के बीच कोई समस्या नहीं है उन्होंने कहा कि उन्होंने बोर्ड से कभी भी ब्रेक की बात नहीं की है पिछले कुछ दिन से भले ही विराट कोहली क्रिकेट की 22 गज की पिच पर नहीं थे लेकिन मीडिया में छाए हुए थे तमाम तरह की अटकलबाजियां उनके खिलाफ बीसीसीआई सूत्रों के हवाले से कही जा रही थी आज उन्होंने कहा और जो सबसे बड़ी बात रही कि मुझे फोन करके चेतन शर्मा ने यह कहा कि आपसे वनडे की कप्तानी ली जा रही है और मैंने कहा ओके फाइन क्या ऐसा होता है देखिए कहीं ना कहीं ये सौरभ गांगुली इस समय बीसीसीआई अध्यक्ष हैं और जब उनको एकदम से कप्तानी से निकाला गया था 2005 में ग्रेक चैपल इरा जो हमारा था जो कि ये कह सकते हैं कि काला अध्याय कहा जाता है तो तब गांगुली के साथ भी यही हुआ था और उम्मीद नहीं थी कि उनके जब वो बीसीसीआई के बॉस होंगे प्रमुख होंगे और तब उनके साथ किसी खिलाड़ी के लिए जो लंबे समय से कप्तानी कर रहे हैं और बहुत अच्छी सेवाएं भारतीय क्रिकेट को दे रहे हैं उनके साथ ऐसा होगा बहरहाल आज की अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जाए लग रहा था कि कोहली जो है ना प्रत्येक सवाल के जवाब देने के मूड में और हर चीज को स्पष्ट करने के मूड में आए हैं आपने देखा होगा अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप, आपको आपने देखा होगा तो जब ये क्योंकि वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो सवाल ले रहे थे लेकिन कुछ सवाल ऐसे थे कि जो कि चैटिंग पर आ रहे थे चैट पर आ रहे थे जो सीधे नहीं हो रहे थे और जो संचालक थे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करने की बात कर दी थी लेकिन कोहली उनको रोकते हैं और कहते हैं कि नहीं कुछ सवाल चैट पर आए हैं अमूमन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस दस ग्यारह मिनट चलती है वो सत्रह मिनट तक चली इसका मतलब साफ था कि वो आज किसी भी सवाल को नहीं छोड़ने जा रहे हैं और हर चीज को स्पष्ट करने जा रहा है और जा रहे हैं और मुझे लगता है ये बहुत अच्छा भी है एक कोहली का कह सकते हैं कि नया स्वरूप देखने को मिला और बीसीआई से हमेशा पारदर्शिता की जब बात की जाती है तो चीजें क्यों सूत्रों के हवाले से आती हैं क्यों धर्मेंद्र आपसे एक सवाल मैं करना चाहूंगा आप खेल पत्रकारिता में लंबे समय से हैं जब किसी अखबार में ये आर्टिकल छपता है कि बीसीसीआई सूत्रों से कहा जा रहा है इसके क्या मायने होते हैं देखिए कहीं ना कहीं सूत्र होते हैं कहीं ना कहीं एक आला अधिकारी ही होते हैं कि जो कि किसी भी बोर्ड से या किसी भी संस्था से जो भी हो कोई भी खेल संस्था से जुड़े होते हैं वो कुछ खबरें पत्रकारों के अपने सोर्स होते हैं पत्रकारों के अपने करीबी होते हैं कि जिससे कि वो उनसे संपर्क में रहते हैं और कुछ खबरें वो बोर्ड से लेते हैं वो बोर्ड के हित में भी होते हैं क्योंकि बोर्ड कुछ खबरों को सीधे हर समय प्रेस ली या बयान जारी नहीं कर सकता या संवाददाता सम्मेलन आयोजित नहीं कर सकता तो ऐसे सूत्र वहां पर काम आते हैं लेकिन अगर सूत्रों के जरिए से आप किसी खिलाड़ी पर हावी होने की कोशिश कर रहे हो या ये कह सकते हैं कि उससे टीम इंडिया प्रभावित हो रही हो तो मुझे लगता है कि उन सूत्रों पर भी लगाम लगाने की जरूरत है क्योंकि बीसीसीआई भी तभी है जब खिलाड़ी है यह ठीक है कि खेल से बड़ा खिलाड़ी नहीं हो सकता लेकिन खिलाड़ी से बड़ा बोर्ड भी नहीं हो सकता है। बिल्कुल कोहली का यह कहना कि उन्होंने टी ट्वेंटी कप्तानी छोड़ने के बारे में पहले बोर्ड को बता दिया था बोर्ड का यह कहना कि कोहली को हमने टी ट्वेंटी कप्तानी नहीं छोड़ने को कहा था कोई न कोई झूठ बोल रहा है और इसका असर कोहली की बल्लेबाजी कोहली के करियर और टीम इंडिया के प्रदर्शन पर क्या पड़ेगा देखिए ये तो स्पष्ट है कि अगर कोहली कह रहे हैं कि उन्होंने सिर्फ ये बहुत पहले उन्होंने साफ कह, कह दिया था टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप से पहले वो साफ कर चुके थे कि वो इसके बाद कप्तानी कप्तान नहीं रहेंगे यहां तक कि उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी भी छोड़ दी थी जी. तो साफ है कि किसी न कहीं ना कहीं गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की गई या गलत फहमी पैदा हो गई है और जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कोई न कोई झूठ बोल रहा है तो जो खुलकर चीजें सामने आई उसमें स्पष्ट साफ दिख रही है लेकिन कोहली एक ऐसा बल्लेबाज है कि जो बाहर की जो भी चीजें हो रही है ना उनको अपने पर हावी नहीं होने देता है और अपने बल्ले से हर चीज का जवाब देता है और पहले भी हमने देखा उन पर कई बार सवाल उठाए गए और कई बार ये कोशिश की गई कि उनको ये कह सकते हैं कि उनकी बल्लेबाजी प्रवाहित हो लेकिन मुझे नहीं लगता है कि दक्षिण अफ्रीका में जो कह रहे हैं ना कि हम दो हजार से उन्होंने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतक नहीं लगाया लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो गई है और हमें इन तीन टेस्ट मैचों में उनका शतक देखने को मिलेगा और हो सकता है कि एक नहीं आगे और शतक लिये तो जी मुझे नहीं लगता कि इससे उनकी बल्लेबाजी किसी तरह से प्रभावित होने वाली है बहुत संक्षेप में दुनिया के दो दिग्गज बल्लेबाज भारतीय टीम में हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली ऐसा लग रहा है कि टीम में रोहित वर्सेस विराट चल रहा है आज खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा यह बीसीसीआई का मसला है और उन्हें हल करना चाहिए रोहित और कोहली का विवाद रोहित शर्मा विराट कोहली की तारीफ करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली का कहना है कि वो कई महीनों से ये कहते आ रहे हैं कि उनके और रोहित के बीच कोई भी विवाद नहीं है तो क्या ये सिर्फ मीडिया के द्वारा उपजाया गया विवाद है ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि ये सिर्फ मीडिया का विवाद है कहीं ना कहीं आपके हाव भाव आपके प्रेस रिलीज बीसीसीआई की जो प्रेस रिलीज अब आपने टेस्ट टीम की प्रेस घोषणा करने के लिए प्रेस रिलीज जारी करते हैं और उसमें एक लाइन जोड़ देते हैं कि रोहित शर्मा वोडीआई और टी टीम के कप्तान होंगे तो जो कहने का तरीका था उससे तमाम कयास लगाने का मौका बीसीसीआई ने दिए हैं और जहां तक खिलाड़ियों के सवाल है खिलाड़ियों ने हमेशा कहा है कि जो पिछले कुछ वर्षों से जब से कोहली ने कप्तानी संभाली है कि टीम का खिलाड़ी महत्वपूर्ण नहीं है खिलाड़ी का प्रदर्शन टीम का प्रदर्शन महत्वपूर्ण है कोई खिलाड़ी अपने लिए नहीं खेलता है तो कहीं ना कहीं जो हाव भाव है जो बीसीसीआई ने इसमें एक तरह से कह सकते हैं कि सही तरह से एक जो जनक जो एक कह सकते हैं ना कि आपकी बड़ी संस्था है और संस्था की भूमिका सही तरह से नहीं निभा पाया है जो इस तरह की बातें सामने आई हैं और उसको किसी जो सूत्रों की बात हो रही है उन पर लगाम लगाने की जरूरत है जी हाँ बिल्कुल इस प्रकरण के बाद आने वाले समय में बीसीसीआई को बहुत जिम्मेदारी से कोई भी निर्णय लेना चाहिए और उस निर्णय की पारदर्शिता मीडिया के साथ साथ खेल प्रेमियों तक भी पहुंचे और खासकर खिलाड़ियों को इस तरह से बयान देने की नौबत नहीं आनी चाहिए कि बोर्ड झूठ बोल रहा है या खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं अब बात करते हैं एशेज श्रृंखला की एशेज सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच कल से एडिलेड में शुरू हो रहा है दूसरे टेस्ट को लेकर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है वहीं इंग्लैंड की टीम ने भी 12 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है ऑस्ट्रेलिया की टीम में एक बदलाव किया गया है चोट के कारण दूसरे टेस्ट से बाहर हुए जॉश हेजलवुड की जगह झाए रिचर्डसन को मौका मिला है इंग्लैंड की टीम में तेज गेंदबाज मार्क वुड बाहर हो गए हैं जबकि जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड की वापसी हुई है दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल यानी गुलाबी गेंद से खेला जाएगा और यह मुकाबला डे नाइट होगा धर्मेंद्र पहले मैच में एंडरसन थोड़े से फिट नहीं थे ब्रॉड को इन्होंने बाहर रखा था मुंह की खाई वहां पर पहले टेस्ट मैच में अब दोनों अनुभवी पेसर को वापस बुलाया है निश्चित तौर पर इससे फर्क पड़ेगा क्योंकि जब हम एडिलेड ओवल की पिच को देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्विंग भी मिलेगी आपको उछाल भी मिलेगी और वहां पर आपको ब्रॉड और एंडरसन की जो एक मौजूदगी का फायदा मिलेगा लेकिन ये गेंदबाजी दोनों पक्षों की बहुत अच्छी है गेंदबाजी अंतर पैदा नहीं कर रही है अंतर पैदा कर रही है, कर रही है आपकी बल्लेबाजी और उस मामले में ऑस्ट्रेलिया वाले कहीं ना कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं जिस हिसाब से पिछले मैच में ट्रेविस हेड ने बहुत अच्छी पारी खेली लाभू सेन लगातार अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं वार्नर चोटिल होने के बावजूद फिर भी खेल रहे हैं तो अंतर वहां पैदा हो रहा है और एक गजब का आंकड़ा है कि ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक डे नाइट आठ मैच खेले हैं और सबके आठ के आठ मैच जीते हैं जी। तो कहीं ना कहीं इस जो एक कह है सकते हैं रिकॉर्ड को तोड़ना इंग्लैंड के लिए बहुत आसान नहीं होगा इंग्लैंड ने चार डे नाइट मैच खेले हैं सिर्फ एक जीता है वो भी अपने होम ग्राउंड पर तो सारी परिस्थितियां ये नहीं कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में है क्योंकि इंग्लैंड वापसी करना जानता है लेकिन इसके लिए उसके बल्लेबाजों को विशेषकर उसके शीर्ष क्रम के बल्लेबाज जो हैं रोरी बर्न्स चल नहीं पा रहे हैं ऐसे में हो सकता है जॉक्रक रावली को अभी भी मौका नहीं दिया गया जो उनकी टीम जो उनकी घोषित की है तो रूट पर काफी जिम्मेदारी बन जाती है मलान पर और बेन स्ट्रोक्स पर जो कि कह रहे थे कि उनकी गेंदबाजी पिछले मैच में वो सिर्फ बारह ओवर कर पाए थे तो वो बैलेंस बनाते हैं तो अगर स्ट्रोक्स कम से कम प्रत्येक पारी में बीस एक ओवर कर लेते हैं तो उससे काफी अंतर पड़ेगा और उनसे लंबी पारी की उम्मीद तो की जा रही है वहीं उसी तरह से अगर जॉनी बियरस्ट नहीं खेल रहे हैं तो ओली पॉप की जिम्मेदारी बढ़, बहुत जाती, बढ़ जाती है हाँ। तो कहीं ना कहीं उनके मध्य क्रम को जिम्मेदारी उठाने की जरूरत है अगर उनका शीर्ष क्रम नहीं चल पा रहा है तो। जी हाँ बिल्कुल और जैक लीज पर भी बहुत दबाव होगा क्योंकि बहुत महंगे साबित हुए थे पहले टेस्ट मैच में देखना दिलचस्प होगा कि किस टीम का पलड़ा भारी होता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम 2022 में न्यूजीलैंड में होने वाली वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ 6 मार्च को अपने अभियान की शुरुआत करेगी महिला विश्व कप अगले साल 4 मार्च से 3 अप्रैल के बीच न्यूजीलैंड में होना है 31 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 31 मैच ही खेले जाएंगे इस वर्ल्ड कप में आठ टीमें भाग लेंगी सभी टीमें एक दूसरे से खेलेंगी लीग में टॉप चार पर रहने वाली टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल मैच वेलिंगटन में तीस मार्च को होना है दूसरा सेमीफाइनल इसके अगले दिन इकतीस मार्च को हेगले ओवल में खेला जाएगा फाइनल मैच तीन अप्रैल को होना है भारतीय टीम मिताली राज का सपना शायद अगर सपना साकार हो तो क्रिकेट की दुनिया को अलविदा भी कह देंगी निश्चित तौर पर सॉरी महिला वर्ल्ड कप 1973 से खेला जा रहा है जी हम नौ बार उसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं जो ग्यारह बार टूर्नामेंट हुआ और हम आज तक चैंपियन नहीं बने दो में हम विजेता बने थे दो में हम फिर विजेता बने लेकिन खिताब से अभी भी वंचित हैं ऑस्ट्रेलिया छह बार जीत चुका है इंग्लैंड चार बार जीत चुका है न्यूजीलैंड एक बार जीत चुका है तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए बहुत बढ़िया मौका है और मिताली राज के लिए जैसे आप बोल रहे हैं कि उन पर काफी कुछ निर्भर करता है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक हमने लक्ष्य तय किया है ना कि हम प्रत्येक पारी में कम से कम 250 से ऊपर रन बनाएंगे उस लक्ष्य को मुझे लगता है कि आप 250 नहीं आप उस लक्ष्य को दो और 300 के बीच रखिए तो तब जाकर आपको ये कह सकते हैं कि आप जो तीन टीमों का हम जिक्र कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और न्यूजीलैंड को टक्कर दे सकते हैं क्योंकि बाकी टीमें इतना ऐसा नहीं उलट फेर कर सकते वो उलटफेर कर सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं खतरा आपको इन तीन टीमों से और जैसे आपने बताया कि राउंड रोबिन आधार पर खेला जाएगा तो वहां पर आप शुरुआत में पाकिस्तान को तो मात दे सकते हैं लेकिन उसके बाद आपको न्यूजीलैंड का सामना करना है फिर वेस्टइंडीज इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का सामना करना है तो आपको एकदम से चार बड़े मैच खेलने हैं और उन मैचों पर आपकी विशेष नजर होनी चाहिए जी हां बिल्कुल न्यूजीलैंड के मैदान छोटे हैं और देखना होगा कि तेज सीम और स्विंग वाले पिचों पर भारतीय महिला खिलाड़ी किस ढंग का प्रदर्शन करती हैं भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित एसजेएफआई पदक महान क्रिकेटर सुनील गावस्कर को देने का फैसला किया है एसजेएफआई ने गुवाहाटी में वार्षिक आम बैठक में यह फैसला किया टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को सर्वश्रेष्ठ पुरुष और रजत पदक विजेता भारोत्तोलक मीराबाई चानू को साल का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया है टोक्यो में कांस्य पदक जीतने वाली पुरुष हॉकी टीम को साल की सर्वश्रेष्ठ टीम का खिताब दिया गया है और चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मार्नस लबुशे आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दो पायदान की बढ़त के साथ दूसरे स्थान पर आ गए हैं जो रूट पहले नंबर पर बरकरार हैं स्टीव स्मिथ तीसरे और केन विलियमसन चौथे स्थान पर हैं शाहीन अफरीदी को पहले टेस्ट मैच में बांग्लादेश के साथ शानदार गेंदबाजी करने का फायदा मिला है और वो करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं डेविड मलान टी में दुनिया के नंबर एक बल्लेबाज बन गए हैं अब समय नहीं है किसी और खबर पर चर्चा करने की धर्मेंद्र जी स्पोर्ट्स कैन से जोड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हार्दिक आभार स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यही समाप्त होता है पूरी टीम को दीजिए अनुमति कल आपसे होगी फिर मुलाकात तब तक के लिए नमस्कार